गाइस मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। शादी के 6 महीने बाद मां बनी बहू सास ने धक्के देकर निकाला फिर कुछ हुआ ऐसा कि माफी मांग कर वापस ले आई। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट कहां से आ रही है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने ग्वालियर से आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि शादी के 6 महीने के बाद ही बहू जो है वो एक्चुअली में मां बन गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अभी जब बेटी की शादी होती है तब उस दौरान ही जब बहू घर पे आती है और कुछ समय बीतने के बाद जब बहू बच्चे को जन्म देती है तब बेटी की माँ जो है दादी बन जाती है और दादी होने के नाते वो काफी ज्यादा खुश होती है। पर ये दादी बनने के बाद जो है ये सास खुश नहीं हुई, अपनी बहू को और नवजात शिशु को जो है वो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसका कहना ये है कि 6 महीने के बाद उसको बच्चा कैसे हो सकता है। इस दौरान ही उस महिला ने जो है जो कि एक्चुअली में जिस बच्चे को जन्म दिया था उस बहू ने फैमिली कोर्ट में याचिका डाली और उस दौरान ही केस लड़ने लग गए। और उस दौरान ही उसने ये चीज बताया फैमिली कोर्ट में कि ये बच्चा जो है वो शादी के 6 महीने बाद ही हुआ, ये चीज मैं मानती हूं, पर ये बच्चा जो है वो मेरे पति का ही है, ये नजायज बच्चा नहीं है, क्योंकि मैं शादी से पहले ही अपने पति के साथ रह रही थी और मंदिर में ही हमने शादी कर ली थी और मेरे पति ने ये चीज बोली थी कि वो इस शादी के बारे में किसी को भी जानकारी ना दे और इसीलिए मैंने किसी को भी जानकारी नहीं दी और ऑफिशियली हमने शादी की। और उसके बाद जो है जब मैं पहले उसके साथ रह रही थी तब मैं गर्भवती हुई थी और इस ऑफिशियल शादी के बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया। पर मेरे जो सास है और जो पड़ोसी हैं वो काफी ज्यादा मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, जिसके कारण मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे बच्चे के साथ भी घर से बाहर निकाल दिया। और उस वक्त मेरा पति भी वहां पर मौजूद था और उसने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला और उसने मुझे बाहर निकालने दे दिया। इसी दौरान ही वहां पर फैमिली कोर्ट ने पूरी बातें सुनने के बाद जो है उस लड़के को फैमिली कोर्ट में बुलाया और वहां पर पुलिस कर्मचारियों ने उससे पूछताछ की, जहां पर वो लड़का जो है इसके बारे में एक्चुअली में ना नुकर कर रहा था। वो बोल रहा था मेरा कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि फैमिली कोर्ट में लड़की ने सब चीजें बताई हुई थी और उसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने उसको दबाव डालते हुए और बातचीत करते हुए ये चीज बोला कि अगर डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा तो ये तेरा ही बच्चा निकलेगा, हमें पता है ये तेरा ही बच्चा है, और अगर डीएनए टेस्ट में अगर तेरा बच्चा ये आ गया और उसके बाद फिर तो तुझे जेल जाना पक्का है। जहां पर ये बातें सुनने के बाद उसने अपनी सब बातें कबूल ली और जो बातें ये लड़की ने बोली थी वो सच साबित हुई और लड़के ने भी यही बोला कि ऐसा ही हुआ था, शादी मेरी पहले हुई थी और ऑफिशियली शादी बाद में की और मेरी पत्नी जो है वो पहले ही गर्भवती हो गई थी। ये सब चीजें जो है सास को भी बताई गई और सास ने माफी मांग के अपनी बहू और अपने पोते को घर में दोबारा से एंट्री दी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।